हाय फ्रेंड्स, आज है पंचमी नवरात्रि का, सो अ वेरी हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। आई गेस जिन लोग फास्ट रख रहे हैं 9 दिन का, दे आर डूइंग वेल। बंगालीज का ऐसा कुछ फास्ट नहीं रहता है, इनके इन फैक्ट वी फीस्ट मोर ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। अष्टमी जो 8th डे रहता है, उस दिन हम लोग सिर्फ वेज खिचड़ी और ये सब लेते हैं, वेजिटेरियन डिशेस, वो उस दिन कंपल्सरी है। अदरवाइज यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ फूड, नॉन वेज, वॉट एवर यू वॉन्ट। मोर ऑफ अ फीस्टिंग टाइम फॉर बंगालीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी ये हाल है कि कहीं भी आप निकलो घर से बाहर, तो हर जगह पीपल यू फाइंड आर सेलिब्रेटिंग। मॉल्स में भी अगर जा रहे हैं तो काफी सारे लोग शॉपिंग कर रहे हैं और काफी सारे ऑफर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल, कल हम लोग GIP गए थे, यहाँ पे नोएडा में GIP मॉल, तो वो देर बाहर भी काफी सारे छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हैं, कपड़ों का, एक्सेसरीज का, बैग्स का, शूज, बुक्स, सॉफ्ट टॉयज एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ फूड स्टॉल्स टू। तो काफी वैरायटी ऑफ स्टॉल्स लगे थे, तो वो देख के भी बड़ा अच्छा लगता है। एंड यू जस्ट लव दैट एम्बियंस वेयर पीपल आर चेरिशिंग, पीपल आर बाइंग, पीपल आर एंजॉयिंग द फेस्टिव फर्वर विच इज गोइंग अराउंड एवरीवेयर। तो वो एक्सपीरियंस भी बड़ा अच्छा लगता है। तो कल हम लोग थोड़ी देर के लिए वहां पे गए। आज का मेरा मेन एजेंडा है कि आई शुड फिनिश ऑफ विथ ऑल द क्लीनिंग, डस्टिंग, वाइपिंग ऑफ द रूम्स, सारे घरों, सारे बेडरूम्स का, और अगर हो सके तो बाथरूम्स का भी, क्योंकि अगर कल से हम लोग निकलना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली फॉर द नेक्स्ट 5 डेज आई कैन नॉट गिव टाइम एंड एनर्जी टू हाउस होल्ड कोर्स मच। ज़्यादा सारा थोड़ा कुकिंग करूँगी, बट मेन तो इंटरेस्ट है घूमने का। बट वही है, हबी के हबी शुड बी एबल टू अकोमोडेट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि अगर उनको काम पड़े तो ऑब्वियसली वो हम लोग पहले प्रेफरेंस देते हैं। बट लेट्स सी, होपफुली 4-5 दिन इंजॉय कर सके। आप लोग का भी होपफुली नवरात्रा एज वेल एज दुर्गा पूजा अच्छा जा रहा होगा। तो फॉर ऑल माई बेंगाली फ्रेंड्स, सबई के शुभ महापंचमी शुभेच्छा जानालम। তোমরা নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে সেলিব্রেট করছো, অনেক জামা কাপড় কেনা হয়ে গেছে দুর্গা পূজার জন্য। এবার তো সব ওগুলোকে পরে ভালো ভালো ফটোগ্রাফস লাগাতে হবে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম। এটা একটা এক্সট্রা মজা আমাদের জন্য। আগেকার দিনে তো এসব ছিল না, এখন কিছু বছর ধরে এইগুলো হয়েছে, তো ওটাও একটা মস্তি যে ভালো ভালো জামা কাপড় পরে ভালো তৈরি হয়ে ফটো তুলে লাগাও, পোস্ট করো। তো নিশ্চয়ই তোমরাও করছো, আর যদি করছো তো হতে যদি পসিবল থাকে তো আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে নিয়ে ফটো শেয়ার করো, তো আমারও দেখতে ভালো লাগবে। তো চলো, তো এই থাক ছোটা সা মেসেজ আমারে বেঙ্গলি ফ্রেন্ডস কে লিয়ে, ভিউয়ার্স কে লিয়ে। তো চলিয়ে, আর গপ্প নহীঁ কর সকতে, বিকজ টুডে দেয়ার ইজ লটস এন্ড লটস অফ ওয়ার্কস টু ডু। তো কাম অন, লেটস স্টার্ট।
तो मेरा हो गया है, शावर भी कंप्लीट, बाल भी सूख गए, मैंने थोड़े बहुत काम भी कर लिए हैं। तो आज ये वाले रूम का जहाँ पे भगवान है वहाँ पे सोच रही हूँ जो चादर है उसमें सिल्क वाला चादर लगा दूँ। और मैंने निकाल लिए हैं अपने जो फैशन ज्वेलरीज है वो भी इसी बेड के अंदर से, क्योंकि मैं हमेशा थ्रू आउट द ईयर एक सूटकेस में रखती हूँ, बहुत ही पुराने एक सूटकेस में सारे फैशन ज्वेलरीज को अरेंज करके रख देती हूँ, क्योंकि वो तो जनरली मैं सिर्फ दशहरा दिवाली में ही यूज़ करती हूँ, बहुत रेयरली साल भर में एक आध बार निकालना पड़ता, अदरवाइज तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये लगा दिया है चादर और वो दो कुशन भी रख दिए। ये दो पायल को मैंने वॉश कर लिया, थोड़ा सा गंदा हो गया था, थोड़ा सा सोप सॉल्यूशन साथ इसको क्लीन कर लिया है, तो इसको पहनूंगी इस बार। दो साड़ी में से मैंने आप लोगों को बोला था एक सिलेक्ट करने के लिए, तो एक साड़ी ऑलरेडी लीडिंग, तो वो वाला शायद मैं सबसे पहले पहनूं, मोस्ट प्रॉब्ली षोष्ठी मतलब कल शाम को पहनूंगी शायद, तो लेट्स सी। तो नेल पेंट भी चेंज करना है, बट पहले ही पहन लूंगी पायल, क्योंकि ये चार पांच दिन ना छन छन करते हुए आवाज़ करते हुए घूमना बड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये वाला कॉकटेल रिंग है और ये है दूसरा, तो दीज टू आई प्रेफर वेयरिंग मोस्ट, और मैंने इससे ज़्यादा खरीदे भी नहीं, क्योंकि चल जाते हैं हर बार, हर ऐसे कलर्स है कि हर साड़ी के साथ इट गोज वेल। तो ये है, और षोष्ठी के दिन सोच रही हूँ फर्स्ट डे हिया का वो पिंक वाला टॉप पहनाऊँ, तो उसके साथ ये वाला पर्ल नेकलेस आई गेस विल लुक गुड ऑन हर, तो ये वाला उसके लिए हो जाएगा। और मैं पहनूंगी ये वाला, मेरा सबसे फेवरेट चोकर नेकलेस है, ये सोच रही हूँ षोष्ठी के दिन मैं भी पहनूंगी विथ वो वाला साड़ी जो आप लोग ने सिलेक्ट किया है, तो देखना ज़रूर। फर्स्ट डे जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो वाला साड़ी पहनूंगी, एंड नेक्स्ट डे द अदर वन, तो अभी आपको देखना है कि कौन सा वाला साड़ी ने वोट जीता है, तो इसलिए ये वाला पहनूंगी। एंड दीज नेक पीसेज एंड ज्वेलरीज आर क्वाइट ओल्ड, आई शुड से दीज आर ऑल 6 to 7 ईयर्स ओल्ड, बट मैं इनको मेंटेन करके रखती हूँ सूटकेस के अंदर, तो एकदम नए जैसे ही रहता है। एक मिनट उसको निकाल के दिखाऊं, ओरिजिनल पैकेट और ये ओरिजिनल ही पैकिंग है, तो दिस आई विल वेयर, एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट नेक पीस आई हैव, मतलब सारे नेक पीसेस में मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये वाला है। और नेक्स्ट डे जो साड़ी सोच रही हूँ पहनूंगी सप्तमी के दिन, उसके साथ सोच रही हूँ ये वाला नेक पीस पहनूं। ये भी हो गया है 3-4 साल पुराना, मतलब मैं ऑलमोस्ट 8-9 ईयर्स से मैंने हर साल थोड़ा थोड़ा करके कलेक्ट कर लिया था, तो अभी जितने हैं काफ़ी हैं और इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वैसे ही होता है ना कि आप लेके रख दो फिर पहनना तो होगा नहीं, तो कभी अगर कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो अलग बात है, बट राइट नाउ आई डू नॉट हैव सच एनी प्लान्स। तो आप ये मेरे व्लॉग्स देखते रहना, क्योंकि एवरी डे नए नए लुक के साथ आऊंगी तो और अच्छे से दिखा पाऊंगी कि क्या क्या पहना और कैसा लग रहा है। तो आज के लिए तो बस इतना ही सोच रही हूँ कि और कुछ नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल सा लंच बनाया है, मिक्स्ड वेज दिखाने लायक कुछ है नहीं खास, आज बहुत ही सिंपल सा ही लंच बनाया, क्योंकि इतना सारा काम और इन सब के चक्कर में टाइम भी काफ़ी हो गया, तो मुझे लगा कि एकदम जितना सिंपल कुकर में बन जाए उतना सिंपल से बना लूँ, तो एक बहुत ही सिंपल सा मिक्स्ड वेज बनाया है विथ रॉ बनाना बैंगन आलू और वड़ी के साथ, कुकर में बना ले जल्दी बन भी गया। तो चलो पहले मैं पहनती हूँ पायल और मिलती हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी दुर्गा पूजा वाले व्लॉग्स के साथ, तो चलिए ज़रूर देखते रहिएगा और बताना कि कैसा लग रहा है। तो फिलहाल तो षोष्ठी के लिए आई गेस षोष्ठी इवनिंग को हम लोग निकलेंगे, मॉर्निंग को ही है हबी हैज सम वर्क तो माइट बी पॉसिबल नहीं है, तो देखते हैं। षोष्ठी इवनिंग से ही मैंने प्लान किया है साड़ीज का और ज्वेलरी से मैंने सेट कर लिया कि षोष्ठी इवनिंग में मैं और हिया कौन सा ड्रेस या कौन सा ज्वेलरी पहनेंगे साथ में,
तो इसके लिए आप सोष्टी का ब्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो पहले मैं पायल को पहनूं और तब तक लेती हूँ आपसे गुड बाय। मिलती हूँ मैं आपके साथ बहुत ही जल्दी दुर्गा पूजा वाले ब्लॉग्स में। एंड आई होप आप लोग का भी पूजा बहुत अच्छा जा रहा होगा। खूब सारा खाओ पियो, अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनो, खूब सारे पिक्चर्स क्लिक कराओ। जस्ट मीनिंग है, मतलब जस्ट इंजॉय द फेस्टिवल टू इट्स फुलेस्ट जितना हो सके। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपके साथ फिर षष्ठी के पूजा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी पूजा।